ओम तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि बिडिरतम कलमुषापहम श्रवनम मंगलम श्री मदाततम भुवि गिणन्ति ये गृदिदा जनाः श्री राम कृष्ण अपने बारे में पूछ रहे हैं अंतरंग भक्त मास्टर महाश्वर तुम मुझे क्या समझते हो तो मास्टर जब कहते हैं यहां पर शक्ति का विकास है नहीं कोई कोई कहते है, अवतार है बना मेरा भी वैसी है जैसे चे चैतन्य देव था फिर आगे कहते हैं पूर्ण अंश ये कला वजन क्या है वो कहते वजन समझ में नहीं अचमच समझ जो वज़न समझ में नहीं आ रहा है आई एम नॉट एबुल्रैंकली कन्फ्यूज कर रहे हैं नॉट फ्रैंकली एसेस यू कितना सुंदर कथो भगवान के साथ भक्त का भगवान चैलेंज कर रहे हैं क्या मुझे पहचान पा रहे हो क्या नहीं क्या अद्भुत संलाप किसी चंद्र का पूर्ण प्रकाश पूर्णिमा में होता है और धीरे धीरे उसका राश होता है अंश होता है कला है प्रथमा द्वितीय तृतीया नाना प्रकार का तो मैनिफेस्टेशन धीरे धीरे बढ़ता है घटता है वैसे ही भगवान जब नारा शरीर धारण करके आते हैं तब प्रयोजन अनुसार अपना सामर्थ्य को प्रकाश करते हैं भगवान एक ही है जैसे कि एक ही अभिनेता कभी साइड पार्ट में साइड रोल में पार्ट करेगा कभी हीरो बन के आएंगे जैसे जिसका प्रयोजन है उसी अनुसार रोल लेते हैं लेकिन तो एक ही है अलग नहीं है उसमें विभ्रांति नहीं होना चाहिए इस प्रसंग में भगवान का ये अपने बारे में बताना खुलासा बताना का क्या प्रासंगिकता है ये समझना पड़ेगा कि रहता है क्योंकि संसारी भक्तों के लिए भगवान सर्वदा चिंतित रहता है वह कैसे आनंद में रहें और उनको सूत्र बताते हैं पहले परिष्कार बताया डरने का क्या बात है ताकि धोरो उनको पकड़ो बूढ़ी छूले की और के चोर है पाला पकड़ने से और चोर होने का संभावना नहीं है तभी प्रश्न होता है बता दिया तो उनको पकड़ो कहाँ मिले शायद बता दिया उनको पकड़ो दिखाई नहीं पड़ रहा है कहाँ उसको ढूंढे कहाँ पकड़े पकड़ना तो आसान नहीं है अगर आँखें बंद है तो हम पाला को पकड़े कैसे अभी इसका उन्मोचन कर रहे हैं ये प्रश्न का मैं तो तुम्हारा सामने ही विराजमान हूं देख नहीं पा रहे हो सामने ही है पूछ रहे हैं अगर भगवान सामने उपस्थित है तुमको पकड़ो असुविधा क्या हो रहा है यही है आध्यात्मिक जीवन का रहस्य भगवान को पकड़ना पड़ेगा जब भगवान को पहचान लेंगे तो कोई भय नहीं रहेगा ज्ञानी ज्ञानीगण एवं भक्तगण दोनों ओर से ये अवस्था प्राप्त कर सकते हैं शास्त्र में कहा गया है ज्ञानी ज्ञान के दृष्टि से जब प्रथम हिरण्यगर्भ का आविर्भाव हुआ वो देखा वो सिर्फ एक ही है और कोई नहीं है सारे सृष्टि में खाली एक है ये कितना निस्संग अवस्था है देखिए इफ यू आर एलोन एवरीवेयर इफ यू सफोकेटेड इफ यू लॉस्ट और कोई नहीं है तो हिरणनगर व ऐसी अवस्था देखकर रोने लगा भय से तो कहाँ के उपस्थित हुआ तब उनको पता चला असल रहस्य क्या है जत मत अन्य नास्ति कस्मा नो बिफे में थी मृदान रघ परिषद में है जब उनको पता चला और दूसरा कोई है ही नहीं वही एकमात्र है तो किससे भय करेंगे भय किससे है कल ये ही है तो ये दिश्टान से दृष्टांत से, से कहते हैं शास्त्र में कि पहचानना पड़ेगा यू हैव टू आइडेंटिफाई द रियलिटी तो एक प्रख्यात उदाहरण है साफ आदड़ी का ग्रसी है दूर से पड़ा हुआ है पता नहीं लग रहा क्या है हम लोग भ्रम में पड़ गए तो कोई देख रहा है उसको एक साप भयभीत हो गए उनसे दूर भगने लगा कोई देखा नहीं नहीं साफ नहीं है एक पुष्प माल्य है हार है पर आकर्षणीय हार है तो उनको पहनने के लिए आगे बढ़ा कोई देख रहे नहीं एक तो जलधारा है कोई देख रहे नहीं यह तो नहीं है रस्सी का जैसे पर प्रतीत मान होता है इनडिफरेंट हो जाते हैं तो जब हम पहचान लेंगे जो रस्सी है तब तो उनसे सांप के भीती से हमको भगना भी नहीं पड़ेगा और उसको उठा के गले में भी नहीं लगाना चाहिए को कोई रस्सी को कोई गले में नहीं लगाते तो हम लोग राग आदवेष से हट जाएंगे तब तो मन में आनंद होगा स्थिति होगा कोई भय नहीं है पहचान लिया और भक्त देखते हैं जब चारों ओर भगवान ही विराजमान है तो भाई किस कारण का कोई विभिन्न रूप से विराजमान है अच्छे में भी है गुना में भी है जत्र जत्र नेत्र पड़े तत्रो तत्र कृष्णस फूरे जो राम दशरथ का बेटा वही राम घटघट में लेटा यह रहस्य गुणमोचन भगवत गीता में श्री कृष्ण किया है मेरा जो माया है ये जो विभ्रांति है इसको अतिक्रम करना संभव नहीं है दैवी ही ऐसा गुणमयी ममो माया दुरतया दुरतिक्रम है मामे में जब प्रपथ जनते माया में तम तरनती थी अगर कोई मेरा शरण में आ जाए मुझे पकड़ ले तब विक्रम कर जाएगा पहचान लेगा आनंद में रहेगा तो बता रहे हैं अर्थात ठाकुर भी कहते हैं माया को जो आवरण है वो हटा के मायावी को पकड़ो ये लिंक है तुम्हारे सामने इतने रचना किया है उसके पीछे जो भगवान है जो नाटक कर रहे हैं उसको पकड़ लो तब हम ये दुनिया के रंगमंच में एक दर्शक रूप से इसको आनंद ले सकते हैं जब कुछ नाटक होता है दो पक्ष है जो नाटक कर रहे हैं और दूसरा है जो दर्शक है नाटक करने में उसके भी तो टेंशन रहता है तनाव रहता है दर्शक है वो तो मजाक लेने के लिए वहाँ गए थे तो टेंशन नहीं वो जानते हैं ये सब एक खेला है अच्छा नाटक है दस वाई इट इज सेट एन्जॉय वर्ल्ड एज ए व्यूअर नॉट एज एन एक्टर तुम खिलवाड़ नहीं हो तुम दर्शक हो और ये जो नाटक चल रहा है इसमें कौन नाटक कर रहे हैं स्वयं भगवान बोल रहे हैं कितने निखुत उनका अभिनय है अभिनय तभी निखुत होगा जब अभिनेता अविनीत चरित्र के साथ एकात्म हो जाएगा कोई पहचान नहीं पाएगा आपने प्रभु सृष्टि बाधन पड़े बाधा शवर का छी रविंद्रनाथ का कविता में है ना वो मायातीत है लेकिन बंधन को अवलंबन करके सबके बीच विराजमान है और आह्वान कर रहे हैं आओ मुझे पहचान लो पहचान नहीं पा रहे है, इतना उसका अभिनय क्षमता निखूत है एकदम जैसे नरडूप धारण करके आए हैं नरडूप ही जैसे दिखाई पड़ता है अपने को आत्मगोपन कर लिया छिपा लिया इसलिए भगवान शंकर को नटराज नाट्य श्रेष्ठ कहा जाता है वे दुनिया में नटराज रूप से विभिन्न चरित्र में नृत्य कर रहे हैं अगर ये जो दुनिया के उनका जो नृत्य है उनका जो नाटक है उसमें अगर उन, उनको हम पहचान लेंगे तब ये संसार मजाक का कुटी बन जाएगा धोखा टहटी नहीं रहेगा कुछ समय पहले बताया घबरा दे क्यों पकड़ो मैं इसके बीच में विराजमान हूँ दूर में नहीं है ठाकुर कहते हैं मुझे दर्शन होता है माँ के सर्वरूप में बेशक के भीतर भी माँ को देखा बोला माँ यही रुपये हो तुम्हें तो ना ही कहीं पर घृणा होगा ना कहीं पर आकर्षण होगा भगवान के साथ हम लोग एक रूप ही रहेंगे भगवान जो यहाँ पर विराजमान है इसको प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोग भी तर्क तर्क करते हैं वही बात यहाँ पर आया नरेंद्र नाथ ज्ञानी श्रेष्ठ है रामचंद्र भक्तराज है दोनों का बीच तर्क हो रहा है लेकिन ठाकुर क्या कहते है? ये तर्क मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तो राम चंद्र दत्त तो अस्वस्थ थे बोला इतना तुमको तर्क करने की जरूरत नहीं बंद करो फिर बोला नहीं थोड़ा तो मंद डूब से करो धीरे धीरे करो आस्ते आस्ते तो तर्क से तो भगवान का प्रतिष्ठा करना संभव नहीं है शास्त्र कहते हैं तो ठाकुर ने क्यों बताया तो बंद कर देना चाहिए था उनके सामने उनके कमरे में हो रहा है सबके सामने न न न कोई ख्याल नहीं है दोनों में ठाकुर तो अलाउ किया तो तर्क विचार का हमारे जीवन में क्या प्रयोजनीयता है इसके विस्तार हम अगले दिन करेंगे ओम शांति 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 हरि ओम राम श्रीरामकृष्णारप नमस्तु अच्छा रहिए स्वस्थ रहिए आनंद में रहिए नमस्कार